आज मेरे साथ हैं ऐसे नेता जिनके साथ कई किस्से और कई कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। नन अदर देन सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहानियों से शुरू करें, किस्सों से शुरू करें या कॉन्ट्रोवर्सी से? एक वक्त था हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लड़ा हूँ अपने लोगों को। मोदी जी कहते परिवारवाद के विरोध में काम करना है, और जो मेरे क्षेत्र की उम्मीदवार दी है उन्होंने, वो परिवारवाद के प्रोडक्ट थे। तो नेपोटिज्म तो हर तरफ दिखता है। भाजपा के नेता की बेटी होने के नाते मिसयूज किया अपने अथॉरिटी को और उसको भगा दिया देश से। तो क्या ऐसा, आई मीन, क्या ये व्यक्ति कह सकते कि सुषमा जी की विरासत को आगे बढ़ाएगा? मैं दोनों पार्टियों में गया कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, कांग्रेस बीजेपी में। तो बीजेपी ने कहा कि कितने पैसे हैं आपके पास? मैंने कहा देखिए साहब, पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास। बोला सोमनाथ जी, ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर नाम बोल दूंगा जब लीगल नोटिस आएगा। तो मुझे देश की सेवा करनी है तो मुझे इस व्यक्ति को वेलकम करना चाहिए आपको। तो सोमनाथ जी, सब कहानियां हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं। मैं बड़ा डिस्करेज हो गया उस वक्त। तो मेरी शादी बहुत लेट हुई, मैंने शादी के अरेंज मैरिज थी एक तरह से कह सकते हैं कि वैसे तो हम लोग पोर्टल के माध्यम से मिले थे, अपने वाले पोर्टल के माध्यम से spouseforme.com। चल भाई, यही बात तो है कि सिस्टम जो है आपको डिस्करेज करता है। मन में शंका तो पैदा होती है कि कानून या तो ठीक से काम नहीं कर रहा या हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। सिस्टम हैज फेल्ड देम, नोबडी इज बाउंड टू बी अ क्रिमिनल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज अगर कोई टेररिस्ट भी बन रहा है तो सिस्टम का फेल्यूर है। जो आज का लिटिगेशन है ये इलिटिस्ट बन गया है। अगर बाबा साहब का संविधान को हम सामने रखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही आज के तारीख में लोगों को फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। अब राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल है, राइट टू टाइम बाउंड ट्रायल, लेकिन इस सबका पालन कहाँ हो पा रहा है? क्या कहा हिंदुओं ने, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या कहा मुसलमान ने कुरान शरीफ में? कहा जब रब को याद किया, कैसे याद किया? कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है। रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। देखो मेरा मैसेज तो ये होगा, शॉर्टकट से आपकी बात नहीं बनने वाली। लंबा रास्ता पेनफुल हो सकता है, लेकिन जो उसमें मजा है वो कहीं मजा नहीं। आज मेरे साथ हैं ऐसे नेता जिनके साथ कई किस्से और कई कॉन्ट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। नई दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नन अदर देन सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने सो पिलाने के लिए। अरे, आपको पूरी नई दिल्ली की विधानसभा, लोकसभा, नई दिल्ली की लोकसभा आपको काबिल समझती है और इसलिए आपको बहुत जनता का प्यार मिल रहा है। कहानियों से शुरू करें, किस्सों से शुरू करें या कॉन्ट्रोवर्सी से? जहाँ से आपकी मर्जी। चलिए वॉक पे चलते हैं साथ साथ। और पहले तो ये कि IIT से MSc किया आपने? जी। कौन सा सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में किया हमने। मैथ्स में माने जाते रहे कि आप धुरंधर थे मैथ्स के? मैथ्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। बहुत डर लगता है लोगों को मैथ्स से? बहुत, क्योंकि मैंने दिल्ली में शुरुआती दिनों में, स्ट्रगल के डेज में, काफ़ी सारे ट्यूशंस दिया करता था, तो मैथ्स का सबसे पॉपुलर टीचर हुआ करता था मैं। बहुत मतलब इतनी डिमांड थी मेरी, लोगों को ना कहना पड़ता था कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है। कहाँ लेते थे ट्यूशन? दिया करता ट्यूशंस में। हाँ, मतलब कहाँ पर? आई मीन क्षेत्र के लोगों के, वो मैं अटैच था एजेंसियों के साथ। अच्छा। तो वो आई यूज़ टू गो टू हाउसेज टू गिव ट्यूशन। घर जाता था। कितनी फीस होती थी उस टाइम? आई दैट टाइम टू चार्ज 400 रुपीज़ एन आवर। 400 रुपीज़ एन आवर? हाँ, बहुत महंगा था। कब की बात होगी? इट इज़ आई थिंक 92, 93, 94 चलता ही रहा। बिकॉज मुझे याद है मैं जब ट्यूशन लेता हूँ तो इट वॉज अराउंड 2000। और फिर वो स्टार्ट, वो बढ़ता ही रहा। फिर मतलब 400 तो शुरुआती था, फिर मैं 800 तक गया। अच्छा। तो 96-97 तक मैं 800 चार्ज कर रहा था। एंड देट वॉज समथिंग फिनोमिनल बिकॉज आई लव मैथमेटिक्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बड़ा यही तो प्रॉब्लम है, आप ही समझे। ना वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर। आपने कोई मूवी देखी है? वो एक मूवी है डेड पोएट सोसाइटी, नहीं कभी देखी है? टीचिंग इज एन आर्ट, कम्युनिकेटिंग इज एन आर्ट, इट्स नॉट एवरीबडी जॉब, नॉट एवरीबडी कैन बिकम टीचर। सो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट को कैसे पेश करता है। आप सब्जेक्ट को वैसे पेश करें जो कि, चूँकि ये जो टीचिंग है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टीचर भी डिफरेंट, स्टूडेंट भी डिफरेंट। अगर एक स्टूडेंट की IQ कुछ और है तो आपको उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। यू कांट बी मोनोटोनस कि जी बस आप पढ़ाए जा रहे हैं
मतलब मास्टर लिखे जा रहे हैं, आगे आगे पीछे बच्चा है या नहीं है वो चला गया। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट स्पेसिफिक बनना पड़ता है, जिससे कि उसके दायरे में वो उसकी समझ आ जाए। एक बार उसने पकड़ लिया फिर मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं कहा करता था कि भाई ये जो दिमाग, ये जो इसका जो दरवाज़ा है, इसे कुंडा अंदर से है, हमें कन्विंस करना स्टूडेंट को भाई तू कुंडा खोल दे, बाकी तो मेरा काम है। तो जिस दिन स्टूडेंट ने कुंडा खोल दिया, जिस दिन ही एग्रीज टू ओपन अप, एंड देन इट इज़ फ्लॉलेस। एंड आई हैव टॉट मैथमेटिक्स इवन टू जी मैट, जी आर ई, सैट। हमारे कई मतलब सैकड़ों बच्चे होंगे जो फॉरेन पढ़ते होंगे। अच्छा, वो बच्चे थे जिनके मैथमेटिक्स इतने ख़राब थे कि सैट में कपते थे वो, कि भाई नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरे को सैट का स्कोर चाहिए उनको। तो मुझे याद है कि भाई मैं पढ़ाया करता था, हमें काउंसिल फॉर अमेरिकन एजुकेशन है डिफेंस कॉलोनी में, सो दे टीच स्टूडेंट्स, दे बेसिकली फैसिलिटेट योर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन। सो दैट वॉज एन फिनोमिनल, उनका हुआ करता था कि जी डेमो क्लास। तो जो डेमो क्लास सोमनाथ भारती में आ गया उससे कन्वर्जन 100% है, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का। फिर मैंने वो एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, मेक इट टू IIT, MIIT, हमने वहाँ पढ़ाया मैथमेटिक्स IIT-JEE वाले बच्चों को। सो मैथमेटिक्स इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट फॉर मी, आई मीन आई यूज़ टू डांस टू द ट्यून ऑफ मैथमेटिक्स। क्लास में घंटों पढ़ाया करता था मैं अपने बच्चों को IIT-JEE के मैथमेटिक्स के लिए। हर सवाल का 5 से 6 तरह का जवाब, नोट्स बिका करते थे मेरे। तो मैथ से इंफोटेक भारतीय इंफोटेक बनाया आपने, और वहाँ से फिर लॉ, इसकी क्या जर्नी रही? और पहले तो ये इंफोटेक में कैसे गुजरे? देखिए क्या है कि मतलब IIT आपकी मेन फील्ड नहीं थी ना? नहीं, देखिए जब भी आप IIT में पढ़ते हो तो कंप्यूटर साइंस के बड़े सारे सब्जेक्ट लेते ही लेते हो आप। और एक IIT ऐसी जगह है जहाँ के हम कहते थे कि जी वी डोंट लर्न मच बट वी लर्न हाउ टू लर्न। तो हमने IIT में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना होगा जो हमने किया नहीं होगा। और मैं IIT के अंदर भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैथमेटिक्स में भी किए, ड्रामा में भी किया, स्पोर्ट्स में भी किया। तो एक ऐसी पर्सनालिटी निखर के आप आते हो IIT से जो कि दुनिया में किसी भी चैलेंज को वो फेस कर सकता है, और वही हमने सीखा वहाँ पे। तो मुझे याद है कि जब मैं IIT से निकला, मैं 97 में निकला वहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमने ये MIIT शुरू किया, मेक इट IIT। हमारे एक मित्र थे अरुणा जी, हाँ, हमने IIT-JEE के लिए पढ़ाना शुरू किया। एंड हमारे ब्रांचेज खुल गए पटना में, लखनऊ में, कई जगह हमने खूब जाके पढ़ाई किया, खूब पढ़ाया मैथमेटिक्स बच्चों को। उसके बाद वो जो .com का आया था जमाना, एक इफ़ यू रिकॉल सन 2000, तो हमने उसमें एक स्पाउस फॉर मी पोर्टल बनाया, पहला मैट्रिमोनियल पोर्टल था वो। अच्छा, सन 2000 में? हाँ, सन 2000 में। और उसके बाद फिर वो उसको किसी ने, आज वन ऑफ द फेमस मैट्रिमोनियल पोर्टल चलता है, उसने उसको खरीद लिया, इंजन खरीद लिया। अच्छा। उसमें वो चलता है। और चूंकि इंजन जो हमने बनाया spousefoami.com, तो उसका एक पेरेंटल कंपनी था भारती इन्फोटेक, उसको हमने बनाया और उसके अंतर्गत हमने काफ़ी काम किया। और .com के ज़माने में भी इस्टेब्लिश था सेल्स उस वक़्त, और काफ़ी कुछ करना चाह रहे थे .com के जरिए, बट वो सडनली फिर वो .com वर्स्ट हो गया। और फिर हमारा जो कंपनी था वो हमको बेचना पड़ा, और उस वक़्त वो ट्रेडमार्क का भी मुसीबत हो गया था कि भाई भारतीय एयरटेल जो कंपनी सुनील भारती मित्तल जी की है, उनको हमसे, भाई मेरा तो स्वर्णिम भारती है, हमारा तो हक बनता है। तो उस वक्त हमको पैसे की ज़रूरत भी थी, तो हमने फिर उनको दे ही दिया, बेच दिया आपने वो। हमने कहा बिल ले लो। कितने पैसे में? अब वो पैसे तो मत पूछो मुझसे, बहुत पैसा, अच्छा खासा पैसा था, हमारी काफ़ी उससे चली जिंदगी, फिर आगे खूब चली। तो उसकी कीमत से ज़्यादा मिला भारतीय होने की वजह से, या जितनी कीमत थी उतनी मिली? नहीं नहीं, अच्छी कीमत मिली, अच्छी कीमत होने का फायदा हुआ आपको नेचुरली। मेरे पिताजी को धन्यवाद कि उन्होंने सर ने भारतीय रखा। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे लगता है ये फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, मेरे ख्याल है कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि इस प्रकार की, चूँकि जब से पॉलिटिकल वर्ल्ड में आया हूँ तो एक अलग तरह की दायरा रहा है काम का, उसमें इन लोगों को इस प्रकार की बातें शायद पता नहीं होगी। कितने में बेची? टैक्स तो दिया ही होगा। अरे क्या दिक्कत है? अच्छे खासे। कौन से साल की बात होगी? इट वॉज समथिंग आई थिंक
2002-2003 और अचानक रिसेशन आ गया। उस रिसेशन में जो स्ट्रगलर्स थे हमारे ऐसे लोग जो एक कंपनी नहीं खोल रहे थे, spousefamily.com खोला था मैंने, उनको सैलरी देना मुश्किल हो गया अपने एम्प्लॉइज़ को, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स थे वो आगे आए नहीं। जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे वो बोले कि अब तो पैसा नहीं है। तो हमें लगा कि भाई कैसे निकलें इससे, तो परमात्मा ने साथ दिया। तो भारती इन्फोटेक चला गया भारती एयरटेल को, spousefamily.com चला गया एक प्रोमिनेंट मैरिज पोर्टल को जो आज चल रहा है। मैंने सुना है कि वो jeevansathi.com है। अब नहीं देखिए, मैं तो नाम रिवील नहीं करूँगा। चलिए ठीक, दूसरा कर सकता है, ये एक खूबसूरती है इंटरव्यू की कि दूसरा कर दे तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, खैर, तो वहाँ से फिर लॉ की फील्ड कैसे चुनी? अब क्या है कि जब मैं IIT से निकला था तो बेसिकली जज्बा था। वहाँ से लॉ की फील्ड कैसे मैं बता रहा हूँ, जज्बा था मेरा देश सेवा। अब शुरू शुरू में हम लोगों ने MIIT खोला, उस प्रकार से फिर हमने आगे बढ़े। तो डिस्कशन जब हुआ कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सर्व द नेशन, तो पॉलिटिक्स तो एक था, बट पॉलिटिक्स हम सब के लिए बड़ी चीज़ थी कि भाई कैसे जाएंगे पॉलिटिक्स में। नहीं, पर पहले देश सेवा का मन कैसे बना? अब तो बिजनेस में थे बचपन से ही ना। बिजनेस तो एक प्रकार से चीज़ें निकल के आई कि भाई IIT के बाद, चूँकि कोई भी IIT निकलता है तो चाहता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप करके दिखाएं, कुछ इस प्रकार से काम करें कि देश का भी नाम रोशन हो और हमारा भी एक स्थापित हो, हमारा जो वर्चस्व है किसी टेक्नोलॉजी में ब्रांड बने। तो मुझे याद है कि जब दोस्तों से बात की, फादर से बात की, तो फादर ने कहा कि भाई देखो, द मोस्ट पावरफुल नॉन पॉलिटिकल टूल टू सर्व द नेशन इज लॉ। इफ़ यू डू लॉ देन यू कैन टेक अप केसेज ऑफ द पुअर, ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, उन सब के साथ उनके सबके मसले उठा सकते हो कोर्ट के अंदर। तो हमने तुरंत इस बात को मान लिया और इन्वॉल्व किया अपने आप को लॉ सेंटर 2 में। तो पहली बार इन्वॉल्व किया मैंने 2005 में। तो वहाँ जिस प्रकार की चीज़ें मैंने देखी, थोड़ा सा मन खट्टा सा हो गया। मैंने कहा इस प्रकार से थोड़ी एजुकेशन होती है, तो हमने ड्रॉप कर दिया। क्या था, क्या हुआ? अब क्या था कि देखो, मैं बुकिश आदमी नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हर चीज़ में सवाल करना, हर चीज़ का इफ एंड बट निकालना और लॉजिकल रैशनल वे आउट ढूंढना, तो उस पर जो टीचर्स एक दो जो मिले थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो गया। तो हमने फिर ड्रॉप कर दिया उसको। फिर 2008 में फिर पिक किया, पहले 2002 में किया, फिर 2005 में किया। तो फर्स्ट टाइम जब हमने पिकअप किया था तो 2002 था वो, और उसमें उस वक्त थोड़ी सी डिस्करेजिंग हो गई, बिकॉज द वे दे वर टीचिंग अस वाज, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर माई सेल्फ, आई नो हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने ड्रॉप किया। फिर 2005 पिक किया, जो कि मुझे लॉ करना ही था। मुझे अब पॉलिटिक्स बताता हूँ उसके आगे की यात्रा क्या है। तो 2008 में कंप्लीट किया हमने। 3 साल क्या किया, 2002 से 2005? वो तो चल ही रहा था, बाकी सब हमारा जो इंडस्ट्री चल रहा था, IT काम चल रहा था, कई प्रकार से हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की ठानी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए लाइफ में। तो उसके बाद 2008 में जब हम लॉ कर लिए, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सीधा गया सुप्रीम कोर्ट बगैर इंटर्नशिप का। रजिस्ट्रेशन के बाद 2008, हाँ, उस वक्त एग्जाम नहीं हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में। एग्जाम नहीं, अब आज के तारीख में अगर आपको इन्वॉल्व करना है अपने आप को तो एग्जाम बार का एग्जाम बार एग्जाम होता है। अब नहीं होता वो तब नहीं होता था, अब होता है। तो सीधा गया सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से हमने यात्रा शुरू की लॉ की, और बड़ा है, फिनोमिनल रहा है मेरा यात्रा। चलिए बैठ के आराम से मुझे समझाइए। मेरा वही सवाल है कि अदालतें, वकील, जज, आम इंसान को इससे बहुत डर लगता है, और लगे भी क्यों ना। जब हम आंकड़े देखते हैं कि तमाम लोग जिनके ट्रायल पेंडिंग हैं, तिहाड़ की जितनी कैपेसिटी है उससे 2.5 गुना पे ऑपरेट कर रहा है, और खासतौर से जेल नंबर 5 जिसमें 18 से 21 साल के युवा हैं, भरा पड़ा है खचाखच, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं, तो मन में शंका तो पैदा होती है कि कानून या तो ठीक से काम नहीं कर रहा, या हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। एक आम नागरिक को यदि आप साधारण भाषा में समझा पाएं कि प्रॉब्लम है कहाँ और ये ठीक होने की संभावना क्या है, और साथ साथ क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं,
आप वकील भी हैं और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं, आप कानून भी समझते हैं लेकिन पॉलिसी भी समझते हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं आप, क्या मुनासिब है इसको करेक्ट कर पाना? देखिए, आपका सवाल बहुत गहरा है, इसे कई मायने हैं, कई आयाम हैं। जो सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिखता है इसका, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति आज के तारीख में क्रिमिनल बन रहा है, हम लोग पढ़ा करते क्रिमिनोलॉजी, उसमें देर वॉज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम, इलिटरेसी एंड क्राइम। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में समाधान चाहिए, आपको शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। जब गहरी शिक्षा पे काम करेंगे, जब एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम करेंगे, जब स्कूलें ठीक होंगी, स्कूल से निकला बच्चा कॉलेज जा सकता है, कॉलेज से निकला बच्चा नौकरी लग सकता है, जब ये आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम का रेट डाउन आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, एज समबडी हु इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। द नीड ऑफ द आवर इन दिस कंट्री इज टू वर्क ऑन एजुकेशन, 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 नंबर वन। नंबर टू, अब जो व्यक्ति क्राइम कर बैठा, क्यों करा क्राइम, उसे कई सारे कारण होते हैं, इकोनॉमिकल कारण है, इलिटरेसी कारण है, बिहेवियरल रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। आई एम टेलिंग यू सालिन भाई, आई एम ऑफ द व्यू सिस्टम हैज फेल्ड देम, नोबडी इज बाउंड टू बी क्रिमिनल, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई हर व्यक्ति, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है इस देश में, चाहे वो गरीब का हो रहा हो, चाहे अमीर का हो रहा हो, चाहे हिंदू का हो रहा हो, चाहे मुसलमान का हो रहा हो, उसकी ड्यूटी थी कि भाई उस बच्चे को हर प्रकार से अव्वल नंबर की शिक्षा दिया जाए, अव्वल नंबर का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाए और उसको इंगेज करके रखा जाए। तो अगर कोई टेररिस्ट भी बन रहा है तो सिस्टम का फेल्यूर है, वो। नंबर टू, अब हो क्या रहा है कि जो आज का लिटिगेशन है ये इलिटिस्ट बन गया है। मतलब समझें कि कोई गरीब आदमी को न्याय मिले इसके लिए सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वकील इतने महंगे हैं, व्यवस्था इतनी महंगी है और बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशरी में बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जजेस जो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जो प्रकाश सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी कि पुलिस में ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, आज तक वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बार बार चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, कहती है, लेकिन वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। उसका मूल कारण क्या है कि जो लोग व्यवस्था में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके अपना बैकग्राउंड इतना ख़राब है। तो वो मतलब आई वुड से बाय एंड लार्ज पॉलिटिक्स हैज फेल्ड टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द लॉट, एंड देयर इज बाय देयर आर गुड पीपल ऑल्सो इन ऑल पार्टीज। इसीलिए हम सब बड़ा मूल जो उसका कारण है इन सब चीज़ों का, एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा आपकी व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि हम लोग वी आर फेलिंग टू अट्रैक्ट गुड पीपल टू पॉलिटिक्स, नंबर टू। नंबर थ्री, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं रिफॉर्म्स के ऊपर, उसका पालन भी नहीं हो पा रहा। अब जैसे देखें कि साफ साफ अब बेल और जेल की, चूँकि आजकल बहुत चल रहा है बेल और जेल का मसला, मतलब बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, हाई कोर्ट्स ने कई बार कहा, इसका पालन कहाँ हो रहा है? अरनेश कुमार का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहता है कि भाई एनी ऑफेंस विच इज ऑफ पनिशमेंट फॉर द पीरियड लेस देन 7 ईयर्स, उसमें अरेस्ट तो एक्सेप्शन है बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल यू राइट आउट अ रीज़न कि भाई किस प्रकार, क्यों अरेस्ट करना है मुझे, यू हैव टू क्वालिफाई योर डिसीजन बाई लॉजिकल रीजन्स, कहीं फिर भी अरेस्ट हो रहे हैं। जब तक आप सीवियर पनिशमेंट नहीं दोगे व्यवस्था को कि भाई आपने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कैसे किया, तब तक बात नहीं बनेगी। तो बहुत जो गंदगी है बहुत अंदर तक घुस चुकी है, जगह जगह घुस चुकी है। आप किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लेते हो, मेरा मानना है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में अरेस्ट करना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति या तो फ्लैट रिस्क हो, या ये हमारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा,
ये हमारे बिटनेसेस को इफेक्ट करेगा, उनको थ्रेटन करेगा, किसी प्रकार से तंग करने का प्रयत्न करेगा। इसके अलावा अगर आज इस प्रिंसिपल पे काम कर लिया जाए तो जेलें खाली हो जाएं। और मैं एज ए लॉयर भी, अदर एज ए पॉलिटिशियन भी जेलों को खूब स्टडी किया हूँ। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे लोग इम्प्रिजन हैं जेलों में जिनकी जो मोर देन पनिशमेंट, अगर मान लो कन्विक्ट भी हो जाते, अगर कन्विक्ट हो गए होते उसको 2 साल सजा मिलती। दे ऑलरेडी सर्व 3 ईयर्स, दे ऑलरेडी सर्व 2.5 ईयर्स। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया बाद में कि एनीबडी हु हैज सर्व्ड हाफ द पनिशमेंट ऑफ द एलिजेड ऑफेंस शुड बी रिलीज्ड। ओके, होता है वो रिलीज होते हैं। अब ये है कि वो बार बार आपको जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजमेंट्स को पक्का पालन ऑटोमेटिकली सरकारें करें। होनी चाहिए, नहीं तो वो कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ, प्री इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल प्रयास ये करना चाहिए कि भाई व्यक्तियों को अरेस्ट ना करें, अनलेस एंड अंटिल, ये तीन जो मैंने बातें बताई हैं आपको। लेकिन इसका पालन कहाँ हो रहा है? होना चाहिए। और आप, मैं सबको अफोर्ड तो नहीं कर सकता, बड़े बड़े वकील, एक गरीब आदमी के पास खाने को पैसे नहीं हैं, आपने उसको बड़े ऑफेंस में बंद कर रखा है, उसकी तो किस्मत यही है कि फिर वो मरे जेल में। दिल्ली के अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ, दिल्ली लीगल एड बना, उसमें काफ़ी कुछ होता है, लेकिन वो मतलब उस वो चीज़ें निकल कर नहीं आ पा रहे जिससे कि व्यवस्था के अंदर ऐसे सुधार आएँ कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके जेन्युइन मायने में, ये नहीं हो पा रहा। अब मतलब आप देखें कि कोर्ट्स के अंदर तो क्या बताएं आपको, मतलब मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि अगर बाबा साहब का संविधान को हम सामने रखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही आज के तारीख में लोगों को फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। अब राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल है, राइट टू लाइफ में जो आपका इंस्ट्राइंड है, इट्स वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ में ये भी है, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू टाइम बाउंड ट्रायल, लेकिन इस सबका पालन कहाँ हो पा रहा है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बड़े सारे नए कोर्ट्स बने, बड़े सारे नई बिल्डिंग्स बनी, नई व्यवस्थाएँ बनी, अब देखे जा करके हाई कोर्ट के जो नई बिल्डिंग है, जो नई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग बनी है, फिनोमिनल बिल्डिंग्स, पीडब्ल्यूडी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस पीडब्ल्यूडी बनाती है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने केजरीवाल के नेतृत्व में बड़ा अच्छा फंड दिया है, खुद दिल खोल के फंड दिया है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चरली आप इक्विप नहीं करोगे। मैं जब लॉ मिनिस्टर था, मुझे याद है, क्योंकि जो लॉयर में देखता था कि स्टेनोज नहीं है, सपोर्ट स्टाफ नहीं है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन विंग है उसके पास व्यवस्था नहीं है। मुझे याद है अमेरिका के अंदर जो प्रोसिक्यूशन विंग होती है जिसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बोलते हैं, तो वो उनके पास बड़ा फसाद होता है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी वो व्यवस्था आनी है जहाँ की प्रोसिक्यूशन विंग को हर प्रकार की फैसिलिटी मिले, हर प्रकार का रिसर्च की फैसिलिटी मिले। समय लगेगा लेकिन हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत स्लो हो रहा है। और जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से एजुकेशन पे एक रिवॉल्यूशन के तरीके से काम नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। और एक फैक्ट मैं बार बार कोट करता हूँ अपने इंटरव्यूज में, बिकॉज मेरा फेवरेट एरिया भी है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पे काम करना। तो पूरे देश में जो एवरेज है जुवेनाइल की डिलिक्वेंसी का, यानी आसान भाषा में समझे तो एक प्रदेश में यदि 100 क्राइम हो रहे हैं उसमें 12 से 16% जुवेनाइल की हिस्सेदारी है, लेकिन दिल्ली में यही प्रतिशत 47% पहुंच गया, क्योंकि और ये NCRB का डेटा मैं कोट कर रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा, तो बाकी राज्यों से कई गुना ज़्यादा। दिल्ली में रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप बाहर चले जाएं दिल्ली से तो एक गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, उसका तो FIR दर्ज नहीं होता, कहाँ कोई देख रहा है। मतलब पुलिस जो है अन्य राज्यों में, यहाँ भी हम तो देख ही रहे क्या हो रहा है। मैं गया था अभी एक किसी के बिल के लिए, तो मैंने देखा कि अब जो नए जजेज आ रहे हैं, दे हैव दैट माइंडसेट, दे आर विलिंग टू टेक अप चैलेंजेस, दे आर विलिंग टू टेक अप फेस, यू नो, दे आर ट्राइंग टू चैलेंज स्टेटस को। यस,
And I love that, the way new judges who have come up in different courts in Delhi, they are different. And I wish that this continues 100%. Kya difference is? Difference ye hai ki they are not scared of who is standing before them. Achha. Okay. As a lawyer, they're not, they can't be sort of intimidated that somebody who's... You're saying that they are unbiased? Seemingly. Where I appeared, I thought that it would happen otherwise, but it's not. Now, I mean, I was happy to see. It's a big positive sign then. I was happy to see that they did decide what was right. So, but I think with time, the world is becoming a small, you know, place. What is happening in Brazil, what is happening in America, what is happening in France, what is happening in Russia, what is happening... So, across the world, जो जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जा रही हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया छोटी होने के कारण अब अच्छे प्रैक्टिसेस भी जगह जगह पहुंच रहे हैं बहुत फास्ट इस कारण से मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की जो गति है वो बढ़ सकती है नहीं तो स्टेटस को की दुनिया रही है कि मेरे पिताजी ने ऐसे किया था तो हम भी ऐसे करें मेरे बच्चे भी ऐसे करेंगे और परिवारों की वजह से सेट होना जुडिशरी में बहुत आसान भी है बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे समय कम समय में ठीक जगह पर पहुंचते हैं यदि उनके परिवार में कोई व्यक्ति लॉयर ना हो तो आपको देखो मतलब जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ मेरे पहले कोई लॉयर नहीं मेरे फैमिली परिवार में तो इस बात को मानता हूँ मैं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको स्ट्रगल तो काफ़ी है और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है हर जगह नेपोटिज्म है आप कितना भी कर लें परिवारवाद 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 मोदी जी कहते परिवारवाद के विरोध में काम करना है और जो मेरे क्षेत्र की उम्मीदवार दी हैं उन्होंने वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं तो नेपोटिज्म तो हर तरफ दिखता है मुझे लॉ में भी नेपोटिज्म है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है लेकिन एक्सेस मिल सकता है आपको सर्वाइवल जो है आपको आपके क्वालिटी पे होगा मतलब आप जब तक मतलब आपको चलो ब्रेक थ्रू मिल गया जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री होता है एक बार लॉन्च कर दिया भाई फलाने पॉपुलर एक्टर का बच्चा है मिल गया। हाँ लेकिन टू सस्टेन देयर टू रिमेन इन डिमांड यू हैव टू बी ऑफ क्वालिटी यू कैन गिव वेरी वीक आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट एंड यू कैन कीप लूजिंग खिसेज एंड स्टिल बिकम पॉपुलर नो दैट्स नॉट पॉसिबल चलिए वापस मूल प्रश्न पे आते हैं कि आपका मैसेज क्या होगा जो आज लॉ पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में युवा देखो मेरा मैसेज तो ये होगा कि जो कुछ भी करो कन्विक्शन से करो जब आप लॉ प्रैक्टिस में आ रहे हो सो नेवर लुक फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स नेवर लुक फॉर शॉर्टकट्स शॉर्टकट से आपकी बात नहीं बनने वाली लंबा रास्ता पेनफुल हो सकता है लेकिन जो उसमें मजा है वो कहीं मजा नहीं है अगर आपको वाकई में एज ए डीपली सेटिस्फाइड लॉयर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है देन लुक फॉर लिटिल कम्बरसम पार्ट डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स बी देयर एंड बी एज ए चैम्पियन फॉर ट्रुथ परसिवरेंस एंड आई मीन कम वट में क्या घट जाएगा क्या क्या हो जाएगा अगर हम सच का साथ देंगे तो सच के साथ देने में जो मजा है जो मेरी यात्रा रही है कानून के आपने कभी किसी गलत व्यक्ति का कभी भी हमने किसी भी नहीं कभी भी आपको यदि थोड़ा भी इल्म है ऐसा अंदाज हुआ कि यार इस व्यक्ति ने जो लगता तो है एट एन आउटसेट या प्राइम ऑफ ऐसा है कि इसने क्राइम किया है या इसने जुर्म किया है तो कितनी भी फीस वो आपको ऑफर कर दे आपने साथ नहीं दिया उसका मैं देखो वैसे तो इस प्रकार के लोग मेरे पास आते ही नहीं है उनको पता है कैसा व्यक्ति है ये और दूसरी बात अगर कोई आ भी गया तो मैं इस प्रकार के व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा मुझे याद है आज भी सरिन भाई कि मैं एक वक्त था हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लड़ा हूँ अपने लोगों के लिए तो फेलो उसमें क्या था आपका ड्राइव वो केस बहुत प्रसिद्ध है हम उसको लगाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो आपका मन क्यों किया उस केस में इंडल्ज होने का क्योंकि वो फेलो IIT था ना बिकॉज इनजस्टिस हुआ था उसके साथ में क्या केस था बहुत ब्रीफली बता दीजिए केस ये था कि विक्रम बुद्धि के पिता न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उन्होंने इंडो US न्यूक्लियर डील के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ रखी थी 2006 की बात बता रहा हूँ US में किधर या
हिंदुस्तान में, और उनका मानना था कि ये डील जो है ये ठीक नहीं है देश के लिए, दिस इज ओनली फॉर किकबैक्स। ठीक, तो इनको डिस्करेज करने के लिए उनके बेटे को वहाँ अरेस्ट कर लिया, हु वॉज स्टार्टिंग इन पड्डू यूनिवर्सिटी, ही वॉज पॉसिबली वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डबल PhD कर रहा था पड्डू यूनिवर्सिटी से, एंड वॉज अ टीचर देयर। सो जस्ट टू डिस्करेज हिम दैट ही शुड ड्रॉप दिस केस हियर, उसको वहाँ अरेस्ट कर लिया, तो पिता को तो नेचुरल सी बात है पुत्र मुंह में जाना पड़ेगा, वहाँ चले गए, इनको भी धमकाया गया, और उस विक्रम बुद्धि को अरेस्ट किस में किया, अटेम्प्ट टू थ्रेटन टू किल जॉर्ज बुश दैट दी देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या प्रमाण है आपके पास भाई? ना कोई उसने टिकट खरीद रखी है वॉशिंगटन DC की, ना कोई पिस्टल ले रखा है, तो कैसे, हाउ विल समबडी एग्जीक्यूट सच ए प्लान? तो कह रहे कि जी इसने जो है याहू बिजनेस डिस्कशन फोरम पे एक पोस्ट डाल रखी है कि भाई उस वक्त आपको याद होगा कि अमेरिका और इराक का वॉर चल रहा था, तो पोस्ट था कि भाई इराकीज टिट फॉर टैट दे हैव किल्ड यू, यू शुड किल देम। मैंने कहा कैसे इस्टेब्लिश करोगे? तो बोला जी इसके लैपटॉप के मैक ID से IP एड्रेस मिल रहा है। देन आई फाउंड आउट इट्स कॉल्ड पॉइजनिंग ऑफ द मैपिंग। सो क्या होता है कि जब आप कोई ईमेल भेजते हो या कुछ पोस्ट करते हो तो आपके डिवाइस का मैक ID साथ जाता है, जहाँ जहाँ से गुजरेगा सबका मैक ID और IP एड्रेस लेते जाएगा वो, ट्रेवल्स करता है वो। तो फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, लेट्स से इट ट्रैवल्ड 100 सॉर्ट ऑफ डेस्क, देन एवरी इंस्ट्रूमेंट वेदर इट बी अ राउटर, वेदर इट बी अ गेटवे, वट एवर, एवरी थिंग विल लीव सम इम्प्रिंट इन द फॉर्म ऑफ मैक ID एंड IP एड्रेस। अब लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि जी उसको पॉइजन कर दिया गया था, मतलब जानबूझ करके इसके मैक ID को, इसके लैपटॉप ID को, मैक ID को मैच करा दिया याहू बिजनेस डिस्कशन फोरम के अंदर जो वो IP एड्रेस था, और कहा कि भाई ये कर, आई मीन एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एंड यू नो व्हाट दे डिड, कन्विक्ट किया उसको 2006 में, और विदाउट सेंटेंसिंग उसको जेल में रखा। मेरे पास केस आया था 2009 में, कन्विक्ट हो गया था, कन्विक्ट तो 3 महीने में कर दिया। अच्छा, और सेंटेंसिंग अनाउंस नहीं करी। लॉ कहता है कि जब आप कन्विक्ट करो किसी को तभी सेंटेंसिंग, यू हैव टू अनाउंस सेंटेंसिंग, क्वांटम ऑफ सेंटेंसिंग इमीडिएटली, कितने साल जेल में रहना है। जी, शी वॉज केप्ट बिहाइंड बार इन द शिकागो जेल फॉर 3 long years विदाउट अनाउंसिंग क्वांटम ऑफ सेंटेंसिंग, कि आप कितने साल के लिए, कितने साल के लिए आपको जेल में रहना। जो वहाँ पहुँचा तो हंगामा मच रहा था, जब हिंदुस्तान में बीड़ा उठाया तो ऑफकोर्स उस वक्त हनुमंत राव साहब थे, कांग्रेस के MP थे चिराला आंध्र प्रदेश से, वो हमारे साथ थे, कई सारे लोग साथ थे। इस टुकट द स्टोरी शॉर्ट आई वुड से दैट एक आम इंडियन कि जब जिंदगी मुसीबत में आती है फॉरेन में तो हमारी सरकारें नहीं उठती हैं उनके सपोर्ट में। कोई सपोर्ट नहीं मिला था उसको? अब मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा जो मूवमेंट है ऑफकोर्स इट सक्सीडेड, आप मेरे वीडियो कभी देखिएगा उस वक्त का, मतलब जो जुनून था कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान से प्लाकार्ड्स डाल के अपने सूटकेस में यहाँ से निकलता है शिकागो और FBI उसको धमकाती है, और मैं उस, चूँकि उसको चल रहा था पैन IT कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मैं सोच रहा था उसका फ़ायदा ले लें। बड़े बड़े लोग थे, रजत गुप्ता, विनोद खोसला, जब US प्रेसिडेंट्स के दोस्त हुआ करते थे, तो मेरे मूवमेंट के कारण इतना ज़्यादा ये न्यूज़ और इतनी ज़्यादा इसको पॉपुलरिटी मिल गई और लोगों के नज़र में आ गया कि फाइनली US सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जी हमें सेंटेंसिंग अनाउंस करनी पड़ेगी। अनाउंस किया, वो व्यक्ति रिलीज हो गया, आज वो इंडिया के अंदर है और वो भी लॉयर है। देखिए आप भी वकील हैं और आपकी प्रतिद्वंदी जो है इस समय लोकसभा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से, वो भी लॉयर है, कभी सामना आमना सामना हुआ कोर्ट में? मेरा तो अभी तक सामना आमना सामना हुआ नहीं है। वैसे हुआ कभी पब्लिक लाइफ में? नहीं, मतलब जब से उनकी जब माता जी का देहांत हुआ था तब मैं घर गया था, चूँकि इनकी मदर के प्रति हम सब लोग गए थे वहाँ अपने संवेदना व्यक्त करने के लिए, तभी एक बार देखा था मैं उनको। लेकिन जब इनका कैंडिडेचर अनाउंस हो गया
उसके बाद जो मैंने कहानियाँ सुनी, मुझे नहीं लगा कि सुषमा स्वराज जी की कह सकते हैं कि विरासत वो ठीक तरह से ले जा पा रही है। क्या अब यदि ऐसा आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने एक बाहर का व्यक्ति कहे कि वो अपनी माता जी की विरासत आगे नहीं ले जा पा रही है, तो यदि आप ऐसा कह रहे हैं, खासतौर से देश की बहुत ही सम्माननीय प्रतिष्ठित एक लीडर का, जिन्होंने जैसे आपने पूरी दुनिया में लोगों की मदद करने की कोशिश की है, यदि आप उस एग्जांपल को कोट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जहां भी कोई फेलो इंडियन फंसा होता था उसको बाहर निकालने के लिए मदद याद होगा वो तो देखो, जो हमने जो हमको मालूम पड़ा, मेरे तो विश्वास नहीं हुआ, अविश्वसनीय था मेरे लिए कि उन्होंने ललित मोदी, जो देश का भगोड़ा साबित हुआ, जो देश जिसको भारत ढूंढ रहा है, उन पर क्राइम भारत लाने का, भारत वापस लाने का प्रयत्न कर रहा है, ललित मोदी पर जितने भी आरोप हैं क्या वो सिद्ध हो चुके हैं? अरे भाई, जब वो देश में आएगा, इन्वेस्टिगेशन फेस करेगा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है सरकार ने, जारी किया, रेड कॉर्नर भी हुआ है, लुकआउट नोटिसेज भी गए हैं, इंटरपोल भी पीछा कर रहा है, हर प्रकार से लाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन मुझे लगता है ये आई थिंक ये नकली प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि अगर भाजपा की नेता ही उसको भगाने में साथ दिया, कैसे कह सकते हैं हम ये? आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ललित मोदी ने तो बकायदा ट्वीट करके धन्यवाद किया था, ये सबने देखा है, उनका नाम उसमें है, जी धन्यवाद किया था कि वो आपने मुझे पासपोर्ट दिलवाने मदद की, और पासपोर्ट कब मिला पता है आपको? डबल बेंच के ऑर्डर आने के पहले पासपोर्ट मिल गया और भगा दिया गया। जब ये मैटर कोर्ट में था, सुनवाई चल रही थी, उससे पहले उन्होंने पासपोर्ट दिलवाने में मदद की। हाँ, मतलब डबल बेंच के जजमेंट आने के पहले ही कि वो जजमेंट में उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा रिलीफ, लेकिन उसका वेट नहीं किया गया, पहले पासपोर्ट दिलवा दिया गया और भारत से भगा दिया। तो पर पासपोर्ट तो सबका एक आम हिंदुस्तानी का हक है, उसे दिलवाने में उन्होंने कैसे मदद की? भाई कारण क्या है कि उस वक्त सरकारें भी नहीं की थी, तो एक तरह से दुरुपयोग भी कह सकते हैं ऑफिसर्स। नहीं, पर हमें सीधे तौर पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि उन्होंने मदद की? भाई देखो, वकील के रूप में वही रिप्रेजेंट कर रही थी उनको, तो ऐसा वकील उन्होंने, अजय वकील उन्होंने हर प्रकार की व्यवस्था को कह सकते हैं मिसयूज़ किया, अथॉरिटी को मिसयूज़ किया, अपने ईजी एक्सेस को मिसयूज़ किया, भाजपा के नेता की बेटी होने के नाते मिसयूज़ किया अपने अथॉरिटी को और उसको भगा दिया देश से। तो क्या ऐसा, क्या ये व्यक्ति कह सकते कि सुषमा जी की विरासत को आगे बढ़ाएगा? तो कारण क्या है? और हमने देखा है कि मतलब मोदी जी तो पानी पी पी करके गाली देते हैं परिवारवाद को, तेलंगाना गए वाला परिवारवाद को हराना है, गए बिहार वाला परिवारवाद को हराना है, तो परिवारवाद को हराने वाला व्यक्ति अगर परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति को टिकट देता है, तो मुझे लगता है कि ये कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। हम जरूर ढूंढेंगे कि उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, यदि कभी जवाब दिया आपके इस आरोप पर किसी मीडिया चैनल को, तो हम उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालेंगे कि क्या उन्होंने कभी जवाब दिया इस बात का जो आरोप आपने लगाया ललित मोदी के साथ उनके एसोसिएशन का, आपकी जानकारी में है कोई उन्होंने कभी इसका कोई आरोप का? वो इस सवाल से बच रहे हैं, ठीक है, कभी पब्लिक डिबेट में आप लोग आमने सामने हो तो आप पूछेंगे ये सवाल? मैं तो कह रहा हूँ आमने सामने कर दो, करो तो सही। कारण क्या, देखिए हम राजनीति में राजनीति करने के लिए नहीं आए। अरविंद केजरीवाल जी का जो हमें साथ मिला, मुझे याद है कि 2010 में, चूँकि आपने जो शुरुआत की थी उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, जब हम कोर्ट गए लॉ करने के बाद इधर प्रैक्टिस करने को, तो बड़े सारे ऐसे केसेस लिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको याद होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया, तो उसमें जो नॉन कन्फॉर्मिंग स्कूल्स थे, जैसे कि आपके जय कृष्णमूर्ति का एक स्कूल है, चाहे मदर इंटरनेशनल का एक स्कूल है, मीराम्बिका स्कूल, इस पर क्या मतलब होता है नॉन कन्फॉर्मिंग स्कूल्स का? मतलब वो स्कूल्स जो सरकारी मापदंड पे खड़े नहीं है, नहीं मतलब उनके स्कोप में नहीं आते जिस प्रकार से वो चाहते हैं कि एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए बच्चों को, मतलब किसी बोर्ड के अंतर्गत नहीं आते? नहीं, जैसे कि वो मीराम्बिका स्कूल है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, उसमें स्कूलिंग एक अलग तरह से होती है। नहीं, पर वो किसी ना किसी पैटर्न पर चल रही होगी ना, आईसीएसई, आईबी, सीबीएसई, वो तो बाद में ना,
जैसे कि आपको जो प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जब तक आप तो बोर्ड में तब आएगा ना, जब आप टेंथ में जाओगे, ठीक है, तब आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आप इसके दायरे में आए, प्राइमरी स्कूल से। बट प्राइमरी जैसे तुम्हारा जय कृष्णमूर्ति का स्कूल है या आपके होम स्कूलिंग है, ये सभी प्रकार के जो वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन था, दे बिकेम इलीगल इमीडिएटली द मोमेंट आरटीआई केम। राइट टू एजुकेशन आते के साथ ही, चूँकि राइट टू एजुकेशन ने कहा कि भाई सारे स्कूल्स रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और रजिस्ट्रेशन के लिए है कि भाई वो उसको उनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें क्वालिफाई होने चाहिए। तो जय कृष्णमूर्ति का जो स्कूल है, जो बड़ा फेमस स्कूल है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के लिए, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन एक दुनिया में बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस प्रकार से पढ़ाते हैं, होम स्कूलिंग है, अब बहुत एक्सेप्टेबल वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया ये सब। तो मुझे याद है कि जब हम उसको चैलेंज किए कोर्ट में, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने मेरी बात मानी कि ठीक कह रहे हैं हम, तो उस वक्त ये एक्सेप्ट कर लिया कि भी ऑल्टरनेटिव एजुकेशन भी परमिट किया जाएगा। तो ऐसे कई सारे, मुझे आज भी याद है कि वो 2012 में जब आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त एक कांस्टेबल तोमर का देहांत हो गया था प्रोटेस्ट के दौरान। अब क्या हुआ कि वो डेथ को मर्डर दिखा दिया दिल्ली पुलिस ने और 9 बच्चों को अरेस्ट कर लिया। क्या हुआ था एक्चुअली? हुआ ये कि उस व्यक्ति का प्रोटेस्ट के दौरान, इंडिया गेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनको उस प्रोटेस्ट को एक तरह से बंद करवाना था, कि वो हार्ट अटैक हुआ। हाँ, एमएलसी में साबित बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या किया कि कहा कि 9 बच्चे दे आर एक्यूज ऑफ मर्डरिंग हिम। मैं कोर्ट में पेश हुआ, अरविंद जी ने मुझे कहा कि सोमनाथ उसमें एक वॉलंटियर है हमारा। मैं जब गया तो मैंने कहा सर ये तो सारे आम आदमी हैं, अगर आप कहें तो हम सबको छुड़वा दें। सर ने कहा कि तुम बिंदास तरीके से काम करो, जो मर्जी करो। हमने सबको छुड़वा दिया। और सालिन भाई 2.5 महीने में रिकॉर्ड है यही दिल्ली हाई कोर्ट का, 2.5 महीने में 9 बच्चों के सिर से 302 का मुकदमा हटवा दिया। दिल्ली पुलिस ने गलती मानी ओपन, दिल्ली पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन क्या होने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मान लीजिए ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हुई भी तो इसमें कौन सी ऐसी मैलाइन इंटेंशन होगी पुलिस की कि उसको इन बच्चों को अक्यूज बनाने की, जिससे कि वो प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट है वो डिस्क्रेडिट हो जाए। और जो प्रोटेस्ट है उसमें जो यंग बच्चे आ रहे थे, दे वुड हैव सॉर्ट ऑफ गॉट स्कैर्ड कि जी ऐसे हो रहा है। तो ये इस प्रकार की हरकतें होती, मतलब एक एक कांस्टेबल की मृत्यु को भी राजनीतिक तरीके से यूज किया गया। बट मुझे इस बात से खुशी है कि 9 बच्चे परमात्मा ने, मुझे केस क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है केस उनका, और वो लोग सब आज भी यूपी में तो कहावत है कि 302 का अगर 302 कहीं लिख दो किसी टहनी पे तो सूख जाता है वो। अब 302 के मुकदमे में 9 बच्चे जो क्रिमिनल हो गए होते अगर जेल में रहते तो जेलों में क्या होता है। अरविंद जी से पहली बार इंटरेक्शन कब हुआ आपका, कैसे हुआ? वो ऐसा था कि जब मैं कोर्ट में किसी मैटर में आरू कर रहा था, तो ये है आपका 2009, तो मुझे कहा गया सोमनाथ जी व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट्स टू गिव यू, यू हैव टू गो टू इधर असेंबली और पार्लियामेंट टू मेक लॉज। मैं दौड़ा, मैं दोनों पार्टियों में गया कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, कांग्रेस बीजेपी में। तो हाँ, बीजेपी ने कहा, अरे वाह इंटरेस्टिंग। तो बीजेपी ने कहा कि कितने पैसे हैं आपके पास, ऐसा बोला उन्होंने। पैसे कहाँ, हम किससे मिले थे आप, नाम ना बताएं तो नहीं, मतलब स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा कितने पैसे हैं आपके पास। मैंने कहा देखिए साहब पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास। बोला सोमनाथ जी ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फिर नाम बोल दूंगा जब लीगल नोटिस आएगा तो। अच्छा, मैं प्रूफ करने के लिए नाम बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि कितने पैसे हैं? बोले पैसे कहाँ, हम पैसे क्यों रखे हैं, पैसे क्यों दें आपको, पैसे की जरूरत कहाँ है, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। मैं IIT का प्रोडक्ट हूँ, मैं सब मेरे फ्रेंड्स गए अमेरिका अपने करियर बनाने के लिए, मैं तो हिंदुस्तान में रह गया, मुझे देश की सेवा करनी है, तो मुझे इस व्यक्ति को वेलकम करना चाहिए आपको। बोला सोमनाथ ये सब कहानियाँ हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं। मैं बड़ा डिस्करेज हो गया। फिर मैं बैठा रहा आराम से, पैन IIT कॉन्फ्रेंस हो रहा था। नहीं कांग्रेस में भी तो गए आप,
बताइए पूरी ठीक से बताइए। फिर कांग्रेस में गए, मतलब उनके हेड ऑफिस में गए? कांग्रेस में भी गया और करीब करीब इस प्रकार की ही बातें हुई तो मैं डिस्करेज हो गया। मैंने कहा पैसे वैसे तो अपने पास है नहीं। लोग जानते थे वहाँ पे आपको वैसे कि आप कौन है कहाँ से? नहीं, हमने तो बात बताई अपनी, हमने तो बात रखी अपनी। तो किसी सीनियर लीडर से मिले या किसी ऐसे कार्यकर्ता से? सीनियर से मिले। सीनियर दिल्ली लेवल के सीनियर लीडर दोनों जगह? दिल्ली लेवल के? नेशनल, नेशनल के सीनियर, नेशनल लेवल के। तो क्या था कि वो उस, मैं बड़ा मायूस सा हो गया। फिर उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी एक मूवमेंट लीड कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम का जांच, 2010 की जांच मांग रहे थे वहाँ। तो 2010 में पैन आईटी कॉन्फ्रेंस था जो कि नोएडा में हो रहा था, आईआईटी का पैन आईटी का हाँ, आईआईटीज का पैन कॉन्फ्रेंस जो था, जो पिछले साल शिकागो में हुआ था, इस बार नोएडा में हो रहा है। हर साल होती है, हर साल अल्टरनेटिव होता है, एक बार शिकागो, एक बार फॉरेन में आउटसाइड इंडिया, एक बार इंडिया में। अरविंद जी स्टेज से बात कर रहे थे कि जी कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के अंदर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खा जाएंगी, कुछ होगा नहीं। नीचे बैठा बैठा मैं कहा कि ये आदमी अगर मिल जाए मुझे तो देश सेवा अच्छी हो सकती है, और मानेंगे नहीं आप जो हुआ आगे। शाम को मेरे घर में अरविंद केजरीवाल जी गाड़ी चला के पहुँच गए। कैसे? कुछ ने बताया होगा, और आके बोले सोमनाथ जी आप मेरा वकील बन जाइए। बोले किस में सर? बोले कॉमनवेल्थ गेम स्कैम का वकील आप बनिए, क्योंकि उनके वकील शायद उस पर साथ ना दे रहे थे, कोई पिटीशन बननी थी नहीं बन पा रहे थे उनसे। रिट पिटीशन डाली थी उसमें? ना, उसमें बेसिकली 156(3) डाला था, डालना था पटियाला हाउस में, फॉर सीकिंग डायरेक्शंस टू फाइल द FIR। तो वो वहाँ शुरुआत हुई मेरी। मैंने सर को उसी दिन बोला कि भाई साहब, चूँकि मैं ऑलरेडी भाजपा कांग्रेस के पास जा चुका था, मैंने कहा सर ऐसा है कि आपको ये सब ना करके पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। साफ साफ मना कर दिया उस दिन सोमनाथ जी, हमारे लिए नहीं है पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह, हम तो जन आंदोलन के जरिए ही इस प्रकार से सरकार पर दबाव डाल करके काम कराएंगे। लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ, फाइनली पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन हुआ, फिर पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल जी। फिर मुझे कहा गया कि भाई तुम लड़ो चुनाव मालवीय नगर से, चूँकि मालवीय नगर में IIT दिल्ली आता है, और IIT दिल्ली का 6,000 का वोट बैंक फिक्स था, क्योंकि मैं वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा, स्टूडेंट भी रहा। तो अरविंद जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। हम चुनाव लड़े, जनता ने मुझे 8,000 मार्जिन जिताया। पहले चुनाव में तो मेरा कोई मतलब कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई आरती मेहरा जी थी BJP की तरफ से, किरण वालिया जो मेयर रह चुकी, हाँ किरण वालिया जी थी कांग्रेस की तरफ, जो मिनिस्टर रह चुकी, उनके बीच में मैं था, मेरी बातचीत ही नहीं थी कहीं, और जनता ने मुझे 8,000 के मार्जिन जिता दिया 2013 के बता रहा। फिर 15 में मार्जिन दिया जनता ने 16,000 की, 20 में जनता ने मार्जिन दिया मुझे 19,200 की, और 22 में है ना, 22 में नहीं, ये अभी जो चुनाव हुआ है, हाँ 22 में कह दें, तो पहली बारी में आप मिनिस्टर बन रहे? हाँ, तब किस्मत तो आपकी अच्छी है, धनी है ना किस्मत की, कुंडली वगैरह दिखाते हैं? नहीं देखो, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरी माता शिक्षिका थी, मेरे पिता सन्यासी थे, तो मेरा नाम किसने रखा मालूम है आपको? महर्षि मही परमहंस जी महाराज भागलपुर वाले ने, सोमनाथ, महर्षि महेश योगी गोद में खेला हूँ मैं, अनुकूल ठाकुर, देवराहा बाबा तो बहुत प्रसिद्ध और बहुत 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 माने हुए संत जी, मचान पे रहने वाले संत थे ये, जय गुरुदेव, ओशो, राधा स्वामी सत्संग व्यास, पिताजी हमें सब जगह लेके चले गए। तो मेरा लालन पालन आध्यात्मिकता में हुआ है, आज भी रोजाना दिनचर्या शुरू करता हूँ 2 घंटे के ध्यान से। पर आपका जब सोमनाथ भारती शब्द सुनते हैं ना, मतलब शुरुआत से ही ऐसी ऑरा बन गई कि एक एग्रेसिव व्यक्ति जो गुस्से में रहता है हमेशा, मतलब पुरानी फिल्मों का जो वकील हुआ करते थे ना, एग्रेसिव वकील, वो वाली छवि मन में उतरती है। इसके पीछे क्या मतलब क्या इतिहास है, क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग सोमनाथ भारती हमेशा गुस्से में रहते हैं? नहीं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, तो हमें इमोशंस को छुपाना नहीं आता, हम झूठ नहीं दिखा सकते कुछ। तो जब भी अन्याय कहीं दिखता है तो खून खौलता है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो लगता है कि भाई ये क्यों हुआ, इसका समाधान होना चाहिए। मैं चुप नहीं बैठ सकता, अन्याय होता देख नहीं सकता, मैं कूदूंगा ही, समाधान लाऊंगा ही, चाहे मुझे लड़ना पड़े अमेरिकी सरकार से, लड़ूंगा ही।
करूँगा ही, ये कुछ है ऐसा डीएनए में, परमात्मा ने दे दिया है तो। और आध्यात्मिकता की शक्ति है पूरा मन, मैं मानता हूँ इस बात को, मरना एक ही बार है, मरने के पहले नहीं मरना, और मौत उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो जब तक उसकी उसका हुक्म नहीं आए कि भाई तेरा टाइम ख़त्म हो गया, तब तक ज़िंदगी जियो बिंदास, सत्यता के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो, और औरों के हक के लिए लड़ो। ये मेरा जीवन का ध्येय है, मैं अपना कंफर्ट कभी नहीं देखता। जब मैं लॉ मिनिस्टर था तब भी आपको याद है 2014 में जब वो नया नया मंत्री बना था और खुला दरबार लगता था, सवेरे सवेरे लोग आए बोले सोमनाथ जी हम तो सबके पास चले गए, गृहमंत्री तक चले गए, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, आपसे उम्मीद है कि आप साथ देंगे। नहीं, क्या हुआ? बोले जी मेरे क्षेत्र में ड्रग माफिया का और ह्यूमन ट्रैफिकर्स का बहुत बड़ा रैकेट चलता है। ये खिड़की एक्सटेंशन का प्रसिद्ध किस्सा है जी। तो मैंने कहा कि देखो भैया मैं देखूंगा तब एक्शन लूँगा। बोला बिल्कुल आइए। मैं उस वक्त लॉ मिनिस्टर था, रात को काम करता था, रात को 2 बजे तक काम करता था, 1 बजे तक काम करता था, इतनी इतनी फाइलें क्लियर करता था अपने हाथ से। अगर आप मेरे फाइल्स देखेंगे तो एक एक पैराग्राफ मेरा नोटिंग है। यूजुअली मिनिस्टर्स नोटिंग नहीं डालते हैं उसमें, साइन कर देते हैं यूजुअली, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल दे नीड टू गो थ्रू द फाइल। तो मेरे कमेंट्स बड़े लंबे लंबे होते थे। रात को घर पहुँचा, मैसेज आ गया कि भाई साहब यहाँ तमाशा लग गया है, अगर आपको देखना तो आ जाइए। हम नीचे उतरे, खाना भी नहीं खाया, पुलिस को साथ लिया, पुलिस को साथ लेके गया हूँ। किस रैंक के ऑफिसर थे वो? जो PCR था उसे साथ लिया। आपने PCR को कॉल? हाँ, PCR रास्ते में खड़ी दिखी, PCR तुम्हें साथ ले लिया। उनको बोला अपने साइरन बंद कर दो, साथ चलो। मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया, मीडिया और पुलिस के साथ सोमनाथ भारती गए वहाँ पर। तो कोई मीडिया और पुलिस के साथ जाएगा अगर उसको मलेश करना होगा, जो केस चला रहे हैं मेरे ऊपर ये लोग? चल रहा है केस अभी? अभी तक केस चल ही रहा है। तो क्या है कि अच्छा वो जो लड़कियाँ थीं आज तक कभी नहीं आई। क्या मतलब, थोड़ा किस्सा बताइए, किसी को नहीं पता कौन लड़की। तो क्या था कि जब मैं वहाँ पहुँचा उस स्टेज पे, उस जगह पे जहाँ आपको पता था कि यहाँ पे यहाँ से ड्रग सप्लाई होता है, ड्रग सप्लाई होता है, वेश्यावृत्ति होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बहुत कुछ होता है। कोई घर बिल्डिंग थी? नहीं, मैं तो हम तो ओपनली पहले देखा वहाँ पे, जिस प्रकार से गाड़ियाँ खड़ी थी, मर्सिडीज, BMW, हर गाड़ी खड़ी है। कोई लड़की का शरीर आधा अंदर है आधा बाहर है, कोई लड़की अंदर है, कोई ड्रग बेच रहा है, मतलब कियोस्क था वहाँ पे। और गांव वाले आ गए फिर साथ में। और जब हमने वहाँ देखा, जैसे अच्छा जो पुलिस वाला उतरा तो उसका क्रॉस में जो ना चमकने वाला जो होता है, जब पहनता है आजकल पुलिस जो पहनती, एक चमकने वाला आइटम होता है उसकी ड्रेस में, उसके जब हेडलाइट्स पड़े उस पर तो वो दिख गया, चौंक गया, तो वो लोग भागने लगे। तो पुलिस ने बड़े उसके से दो लोगों को पकड़ा, फिर उस घर के तरफ कहा कि भाई इस पर रेड करो, रिफ्यूज़ कर दिया रेड करने से। फिर वो झूठा कंप्लेंट बनाया गया मेरे खिलाफ। किसने बनाया? आप जान के हैरान होंगे कि पुलिस ने अपने हाथों कंप्लेंट लिखवाई मेरे खिलाफ, और 25 चीज़ें आज तक कभी इतिहास में नहीं देखा जो लॉयर मैंने, कि सेम डे कंप्लेंट, सेम डे लिस्टिंग, सेम डे आर्गुमेंट्स, सेम डे एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाया गया, सेम डे उस पर आर्गुमेंट्स हो रहा है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। और सेम डे ऑर्डर कि FIR दर्ज कर दी जाए, साकेत कोर्ट में हुआ ऐसा। तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से अगर जब आप हेड ऑन लेते हो ड्रग माफिया को, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को, तो किस प्रकार से व्यवस्था आपके खिलाफ पड़ जाती है। लेकिन मेरे इस करनी से, इस कार्य से जनता इतनी खुश हुई वहाँ पे। आप सोचिए कि आपकी बेटी जा रही है वहाँ रात को, कॉल सेंटर में काम करती है। अब कौन जाने के भाई कॉल सेंटर वाली लड़की है कि कोई इस प्रकार काम करने वाली लड़की है। किसी ने कमेंट कर दिया, अजय भाई क्या आपको फील होगा, आप तो ऐसे ऐसे कर दोगे वहाँ। तो वो सारी परिवार इतने खुश हो गए इस काम से कि चूँकि इस काम के बाद वहाँ से सब खत्म हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग खत्म हो गई, सब खत्म। अब नहीं, अब नहीं होता, होता वहाँ। अब हो सकता है 2-4 बार मैंने जो मालूम पड़ा है, बट वो उस स्केल का अब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो सारे लोग आज क्षेत्र में मुझे 99% वोट देते हैं। नहीं, पर अभी आप उस केस की क्या हालत है, कौन सी स्टेज में? उस केस में चल रहा है, अभी चल रहा है डिफेंस एविडेंस चल रहा है। और वो जो हाई कोर्ट में ट्रायल हो रहा है ना, मुझे याद है कि वो
जो कंप्लेनेंट्स थी उसमें हिंदुस्तान नहीं आई, कोर्ट ने उसको मतलब 7 साल हुए केस चलते हुए, मुझे इंडिया छोड़ दिया उन्होंने। कब के चले गए वो? इंडियन थे, भगाया गया। इंडियन थे कि बाहर के थे? बाहर युगांडा के थे वो, उनको भगाया गया। वहाँ के सिटीजन थे कि? वहाँ के सिटीजन थे। वो आपके केस में कंप्लेन कर रहे हैं इंडियन कोर्ट में? चूंकि केस में से दिखाया गया कि भाई आपने इनके साथ ज्यादा की। आप जितना कमेंट कर रहे हैं ये लीगली वायबल है? सब लीगली वायबल है, तो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड है। वैसे तो मैटर सब जूडिस है, लेकिन मेरे दिल की बात है, 7-8 साल चल रहा है। जो व्यक्ति ने ड्रग माफिया के खिलाफ में जाते हो जाना पड़ता है, जिस व्यक्ति ने ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन लिया उसको आपको अवार्ड करना। वही इसलिए कहा जाता है ना कि प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट, कि यदि आप सही इंटेंशन से गए जैसे आप बता रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं और हम एज अ विधायक आपने अपनी जिम्मेदारी समझी, आपने उसको खत्म किया, तो अब इतना पनिशमेंट यदि कोई देखेगा तो कहाँ कोई व्यक्ति एक्शन लेने के लिए कोई सोचेगा। सलमान भाई यही बात तो है कि सिस्टम जो है आपको डिस्करेज करता है। सिस्टम कहता है तुम विधायक बन गए हो ना, कभी मन करता है कि छोड़ दो यार। तो और विधायकों की तरह जो पुराने रहे हैं उनके तरह आप भी अपने हिस्सेदारी लो, ड्रग के बिजनेस में हिस्सेदारी ले लो, हर प्रकार के गंदे काम में हिस्सेदारी ले लो और आनंद करो। ठीक है, हमने ठाना है, हमारी पार्टी ने ठाना है कि हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे और व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे, सिस्टम खिलाफ खड़े होंगे, सिस्टम रिफॉर्म करने आए हैं यहाँ पे हम, हम हिस्सेदारी लेने नहीं आए। आप कह रहे कि कभी करता कि नहीं, दिल में कभी ऐसी इच्छा तो नहीं होती, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक आदमी हूँ मैं, तो बड़ा बड़ा आशावादी हूँ। आशावादी इतना हूँ कि भाई जो हमारे कांग्रेस के और बीजेपी के लोग थे उनसे भी वोट लेने की उम्मीद करता हूँ मैं हमेशा, कि मेरे कमी तो बताओ भाई, कमी हो, मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं जनता को समर्पित नहीं हूँ, मैं जनता को उपलब्ध नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं वोट दोगे आप? परिवार के बारे में बहुत चर्चा हुई है आपके, बहुत बार ये मालूम पड़ा कि अरे सोमनाथ भारती जी का जो परिवार है वो पूरी तरह से विघटित है, साथ नहीं रहता है, साथ नहीं देता है, कुछ आरोप उस तरफ लगे, कुछ आरोप आपकी तरफ लगे। क्या हुआ था, किस्सा क्या था, और अब बिकॉज फैमिली के बिना तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाओगे? देखिए क्या है कि जो मेरी राजनीतिक जिंदगी है और जो मेरा समाज के प्रति समर्पण है, जनता के प्रति समर्पण है, अच्छा ना, मैं पूरा हिंदू भाव से कि हर व्यक्ति परमात्मा का स्वरूप है, मैं इस बात को मानता हूँ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। क्या कहा हिंदुओं ने, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या कहा मुसलमान ने कुरान शरीफ में, कहा जब रब को याद किया, कैसे याद किया, कहा रबुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है, रबुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। ग्रंथ साहब के अंदर क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर क्या कहा, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, एक नूर ते सब जग, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। क्रिश्चियंस ने बाइबल में क्या कहा, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यू का मतलब सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं है, यू का मतलब हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है, ईसाई भी है, सब है। तो ग्रंथों ने, पैगंबरों ने, संतों ने, महात्माओं ने जब अंतर नहीं रखा तो नेता कौन होते अंतर रखने वाले। और इसी कारण मैं मानता हूँ एज ए ट्रू हिंदू हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बसता है। किसी का दिल दुखाओ परमात्मा को दिल दुखा रहे हो। मानव सेवा ही माधव सेवा है। जिस किसी मानव की सेवा करी आपने, आप माधव की सेवा ही कर रहे हो। इस भाव से चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो क्या होता है जब ऐसे भाव से काम करते हो तो इतना इंग्रॉस रहते हो पब्लिक लाइफ में कि आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाती है। अब देखो परिवार में दायित्व लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उस वक्त तो मेरी शादी बहुत लेट हुई, मैंने शादी के 2010 अरेंज मैरिज थी एक तरह से कह सकते हैं कि वैसे तो हम लोग पोर्टल के माध्यम से मिले थे, अपने वाले पोर्टल के माध्यम से spouseforme.com नहीं, वो उसी पोर्टल से, किसी और पोर्टल के माध्यम से मिले थे, तो वो तो हम बेच चुके थे ना पहले ही, वो तो उस वक्त था डॉट जो 2000 के समय था। पोर्टल का नाम बता दीजिए, थोड़ा हमें भी प्रचार मिल जाएगा, मतलब शायद हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाए, बड़ी फकीरी में चला रहे हैं पूरे प्रचार shaadi.com अच्छा के जरिए, अरे वाह, हम लोग मिले थे तो अनुपम जी के इसमें कृपा है। अच्छा तो हम लोग देखो, मैं आध्यात्मिक आदमी, इसलिए मेरा आउटलुक ऐसा रहा है
कि मैं अपने परिवार के दुख और औरों के दुख में अंतर नहीं कर पाता, तो आप बोलेंगे सोमनाथ जी ये अगर एक रोटी है और परिवार में बांटना है कि औरों में बांटना है, तो देख लो जिसको ज़्यादा भूख लगी मैं वहाँ दे दूँगा। बहुत क्लीशे साउंड कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी महान संत के बारे में बात हो रही है, मतलब रिलेटेबल थोड़ा लग नहीं रहा है। हाँ ये है, तो लोग कहते तो हैं कि सोमनाथ जी आप बेवकूफ आदमी हो, आप जिस सीट पे बैठे हो वहाँ हजारों करोड़ रुपये बन सकता है और आप फकीरी की तरह जिंदगी जीते हो। आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है कि जेल का जवाब वोट से, आपको लगता है कैंपेन घर में असर करेगी लोगों के? देखिए 21 मार्च इस देश का एक डिफाइनिंग डेट है, उसके पहले हिंदुस्तान की राजनीति अलग थी, उसके बाद अलग हो गई। क्यों? उस दिन आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बगैर किसी एविडेंस, बगैर किसी प्रमाण, रात के अंधेरे में चोरों की तरह आकर के उठा लिया बाय फोर्स, अपने ताकत का दुरुपयोग करते हुए जेल में डाल दिया। पूरा देश एक हो चुका है, आक्रोशित है, क्रोधित है। ये कैसे किया? ये वो व्यक्ति है जिसने इस देश में काम की राजनीति का एक तरीका बताया। स्कूल ठीक हो सकते हैं? कौन सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं? सरकारी स्कूल अब प्राइवेट से कहीं बेहतर हो गए, 3-3 लाख बच्चे प्राइवेट से सरकारी में आ गए, ये तो सपने जैसा है। गली गली मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, एसी क्लिनिक है, एमबीबीएस डॉक्टर है, 400 प्लस टेस्ट मुफ्त होते हैं। कौन सोच सकता था कि सरकारी ऐसा हो सकता है? 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। इस देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखाया कि 24 घंटे बिजली मुफ्त बिजली संभव है, अरविंद केजरीवाल ने किया। पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, महिलाओं के लिए 1000 रुपये पर मंथ देने का जो हमने ऐलान किया है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पूरे देश में क्रांति ला दिया कि पॉलिटिक्स के जरिए इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। तो आज पूरा देश में जब देखो, पहले जब मैं जाया करता था पार्कों के अंदर जनता से बात करने के लिए, लोग सवाल भी पूछते थे कुछ, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। अब सीधा लोग बोलते हैं कि बहुत, आज मैं कल शाम को मैं एक बड़े स्ट्रांग भाजपा सपोर्टर से मिला, पर नाउ इट इज़ लीडिंग टू ऑटोक्रेसी। भाजपा का सपोर्टर कह रहा है, बहुत स्ट्रांग सपोर्टर, संघ का व्यक्ति कह रहा है कि दिस इज नॉट डन, देश इसके लिए नहीं बना। पर वो वोट डालने जाएगा तो देगा आम आदमी पार्टी को? हमको वोट देगा वो। जिस प्रकार से मेरे वोट का शेयर बढ़ा है, जिस प्रकार से मेरे विनिंग का मार्जिन बढ़ा है, जनता ने बढ़ाया है, उसमें भाजपा वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं। अब पार्टियों से ऊपर उठ करके सोमनाथ भारती को जनता वोट देती है। क्यों? अरे भाई सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए ना, निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर सकता है वो व्यक्ति चाहिए, सबको चाहिए, जनता कर रही है। तो मैं तो देखता हूँ कि ये जो 21 मार्च को भाजपा ने जो गलती की है वो इतना भारी गलती है कि उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। कोई एक मैसेज जो आप अपने वोटर को देना चाहें आज के इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले? देखिए मैं राजनीति में राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करने के लिए आया, मतलब उस प्रकार की राजनीति जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जनता ही केंद्र में हो, देश ही केंद्र में हो, अपना स्वार्थ बिल्कुल ना हो। और हम देख पाते हैं कि आज डिफ़िकल्ट है, असंभव सा दिखता है, लेकिन असंभव है नहीं, हम लगे रहेंगे। और अभी मैंने क्षेत्र की सेवा की है 9 साल, कोई व्यक्ति जाके पूछ सकता है मालवीय नगर में किस प्रकार की सेवा की है हमने। और उसी को आधार बना करके पार्टी ने मुझे दायित्व दिया कि भाई तुम नई दिल्ली लोकसभा लड़ो। एक बात और बता दूं, मैंने अरविंद जी को पूछा कि मेरा नाम कब आपके जहन में आया कि इसको लड़वाएं नई दिल्ली से? अरविंद जी ने कहा कि जब वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए अयोध्या, भगवान राम के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि उस वक्त उनके जहन में आया कि सोमनाथ भारती को लड़वाओ, ऐसा लगा जैसे भगवान श्री राम ने आदेश दिया अरविंद केजरीवाल जी को कि सोमनाथ भारती को नई दिल्ली लोकसभा सीट से लड़वाओ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? भगवान श्री राम का आशीर्वाद और सेवा भाव जो मेरे अंदर 24 घंटा
प्रबलता से चलता रहता है उसी का एक्सपेंशन होगा कि भाई नई दिल्ली लोकसभा के जितने भी साथी हैं सबका सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, DDA, लैंड्स और ट्रैफिक पुलिस। इन 5 सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद ही काम कर सकता है, MLA नहीं कर सकता। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब मैंने सदन में पूछा था, एक समस्या थी मेरे क्षेत्र में, DDA पार्क में दिन दहाड़े एक लड़की को लड़के ने रॉड से मार मार के ख़त्म कर दिया। दूसरे DDA पार्क में 15 साल के बच्चे को चाकू से गोद गोद के मार डाला। दोनों का सवाल मैंने सदन से पूछा, सदन के जरिए पूछा कि भाई इस पर क्या जांच चल रही है, क्या वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए। हैरानी ये हुई कि मुझे जवाब दिया गया LG साहब की तरफ से कि सोमनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस केंद्रीय सब्जेक्ट हैं, ये MLA को नहीं दे सकते, MP को दे सकते हैं। तो मैंने कहा माननीय LG साहब को कि LG साहब, सोमनाथ भारती को, जनता के नुमाइंदे को आपने विधानसभा के जरिए उत्तर देने से मना कर दिया, अब जनता अपनी जिद में सोमनाथ भारती को वहाँ बिठा देगी जहाँ आपको जवाब देना ही पड़ेगा, यानी कि लोकसभा में जनता मुझे भेज देगी, लोकसभा में पूछे गए हर प्रश्न का सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। तो दूसरी बात तो ये होगी। तीसरा, दिल्ली की आवाज़ कौन बन रहा है? दिल्ली पे जब मुसीबतें आती हैं, दिल्ली के जब अधिकार छीने जाते हैं, दिल्ली के जब अधिकार कम किए जाते हैं, तो एक भी बार भाजपा के 7 सांसदों में किसी ने भी वहाँ दिल्ली की आवाज़ नहीं उठाई, दिल्ली की मुसीबतों की आवाज़ नहीं उठाई। तो इन 3 कारणों से, पहला मेरा जो सेवा का दायरा मालवीय नगर रहा है, अकाउंटेबिलिटी, अनसरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, उसे एक्सपेंशन कर पाऊँगा पूरे नई दिल्ली लोकसभा में, 10 विधानसभाओं में इंक्लूडिंग मालवीय नगर। दूसरा, इन 5 सब्जेक्ट्स पे ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, DDA, इस पर काम कर पाऊँगा, समस्याओं का समाधान ला पाऊँगा। और तीसरा, दिल्ली की समस्याओं का आवाज़ बन पाऊँगा पार्लियामेंट में, और जब जब दिल्ली के हकों को छीना जाएगा, सोमनाथ भारती चट्टान की तरह खड़ा रहेगा वहाँ, दिल्ली की जनता के हकों को छीनने नहीं देंगी इस सरकार को। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मुझ जैसे व्यक्ति को एक बार पार्लियामेंट भेज के देखें और फिर देखें कि एक ईमानदार पार्लियामेंटेरियन क्या क्या नहीं कर सकता है, एक आध्यात्मिक पार्लियामेंटेरियन क्या क्या नहीं कर सकता है, उसी ताकत को यूज़ करके, जिस ताकत को भाजपा के 7 सांसद यूज़ नहीं कर पाए। जय हिंद। ठीक है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसे नेता जो दहशत फैलाने के लिए धाकड़ बनते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, उनके सामने खड़े होने के लिए एक ऐसा धाकड़ आदमी चाहिए जो जनता के आवाज में बात कर रहा है, और जब तक कर रहा है जनता उसका साथ जरूर दे, क्योंकि गुंडों से निपटने के लिए एक आध्यात्मिक, गुंडा नहीं पर आध्यात्मिक बल का प्रयोग करने वाला ऐसा सज्जन चाहिए जो दुर्जनों को हरा सके। You deserve to be in parliament, sir. आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि दोबारा हम आपसे जरूर मिलेंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे आपसे इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे आपसे कि आपने जनता के लिए क्या क्या काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, खुली किताब है मेरी जिंदगी, बिल्कुल। और आपके साथ पार्लियामेंट कैंटीन में चाय पियेंगे। बहुत शुभकामनाएं, आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ एडवांस में। बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।